भाई नारायण भाई, और ये जितने भी नालायक हैं इन्होंने धोखा दिया है बाबा के साथ, ठीक है, इन्होंने धोखा दिया है। और बस एक बार मुझे भिजवा दो संसद में, इनकी पत्नियों ये भी कर दूंगा मैं अकेला, इनके सबके बनियान उतार दूंगा, अरे इनका सर्वनाश होगा, ठीक है नंबर भाई, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, और मेरी मदद करा दीजिएगा पूरी ताकत से, मदद कीजिए ठीक है। राठी राठी मेरा नंबर इनको दे दो, ठीक है, ओके भाई, आप लोग फोटो खिंचवाइए। हनी भाई का घर मेरा घर है, मैं इन्हें बहुत मोहब्बत करता हूँ, ये मेरी बड़ी इज्जत भी करते हैं, मुझसे बड़ी मोहब्बत करते हैं। मैंने कहा है कि आप लखनऊ का जो इलेक्शन हो रहा है ये सिर्फ लखनऊ का इलेक्शन नहीं है, इस मुल्क के मुस्तकबिल का इलेक्शन है, भारत के भविष्य का इलेक्शन है। और इस इलेक्शन में ये जो सत्ता के सिंहासन पर बैठ कर के अहंकार में चूर हो गए लोग, इनके तख्ता पलट करने का ये मौका है। और मैंने हनीफ भाई से कहा है कि जितने भी आपके सब साथी हैं, कार्यकर्ता हैं, दोस्त हैं, सब कांग्रेस के झंडे के साथ खड़े हो जाएं, मेरे साथ खड़े हो जाएं, क्योंकि बड़ा ज़रूरी है इस मुल्क में फ़िरका परस्ती को हाथ मात देना, फ़िरका परस्ती को हराना। अगर ये लोग एक बार फिर दोबारा इख्तदार में आ गए, सत्ता में आ गए, तो इस मुल्क के टुकड़े टुकड़े कर देंगे, इस मुल्क को बांट देंगे। इसलिए एक मुल्क के वास्ते, इस देश के वास्ते, इस राष्ट्र की एकता के वास्ते, लखनऊ की गंगा जमनी तहजीब के वास्ते, भारत की संस्कृति की संस्कृति और सभ्यता के वास्ते, सद्भावना और प्यार के वास्ते, भारत के भविष्य के वास्ते, बेरोज़गारों को रोज़गार देने के वास्ते, किसानों की खुशहाली के वास्ते, देश में अमन और चैन के वास्ते, मैं हाथ जोड़ के अपील करता हूँ कि कांग्रेस का साथ दो, हाथ के पंजे का साथ दो, मेरा साथ दो, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का साथ दो, बस मैं ये कहना है। भाई कैसे हैं भाई, अरे ऐसे थोड़ी होगा, अरे गले लगो माय डियर, गॉड ब्लेस यू, खुश रहो, सलामत रहो, ठीक है, आइए आइए जी 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 जी, कैसे हैं, दुआओं की ज़रूरत है, मदद की ज़रूरत है, बहुत हमले मुझ पर हो रहे हैं पिछले 5-6 सालों में, इन्होंने मुझे बड़ा दुखी किया है नालायक ने, है ना, हम लोग सब मिलकर मुकाबला करेंगे।